वरुण, यस सर, ये बात सही है कि आपका घर का नाम निकनेम पप्पू है? अरे ये मतलब बचपन में मुझे मेरे माय डैड वुड कॉल मी पप्पू। बिलीव नहीं कर, पप्पू कैन डांस, बट वो आलिया के लिए ताली बजा दो जो बोला उन्होंने। बट वो कभी यू नो 10th स्टैंडर्ड में जब मैं पास हुआ था, उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि मैं पास हो गया। मेरी मॉम ने बोला वरुण के रिजल्ट, और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, गॉट 82-84%, तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी। पर यकीन क्यों नहीं हुआ डेविड सर को, क्यों मतलब? पता नहीं, उन देखिए उनके जो फिल्में हैं पहली वाली, अगर आपने देखे आंखें जोड़ी नंबर वन, उसमें हमेशा जो मतलब बच्चे बेटे दिखाए उन्होंने, तो हमेशा वो कभी चोर होते हैं या फेक मार्कशीट लेके जाते हैं या कुछ, तो उनको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं ऐसा हूँ। और मेरे बड़े भाई को आप जानते हो, जिम में वर्कआउट करते हैं रोहित, तो रोहित हमेशा जब छोटी उम्र में मुझे बोलता रहता कि ये सब जो कैरेक्टर्स है, ही इज गॉट इंस्पायर्ड बाय यू, और ये सब कैरेक्टर्स बने, सब चोर और कॉनमैन, उनको लगता है कि तेरा भविष्य ऐसे होने वाला है। और खुद डेविड सर इतने लेजी हैं, वो भी मुझे मिले जिम में, मैं देखा ट्रेडमिल पे 3 की स्पीड पे यूं चल रहे, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, कहते नहीं स्लो कर, मैं कहा क्यों, कहते मेरे को पतला नहीं होना, मैं क्यूट दिखता हूँ। आप क्यूट हैं लेकिन दीज आर एक्सक्यूजेस। अब पता नहीं किसने बोला है जिसको इस तरह सीरियसली ले गए, हम लोगों को भी नहीं पता है, बहुत सीरियसली ले लिया है। क्यों ऐसे करके ट्रेडमिल पे कौन चल रहा है अभी? मैं कहा सर इससे फास्ट तो आप वैसे चल के आए थे जिम में, ट्रेडमिल में। अच्छा आलिया का निकनेम तो मुझे पता है, नहीं मैं चाहता हूँ आप खुद बताओ, वैसे तो सारी दुनिया को कई बार बोल चुके हो। आलू। सोचो आलू। अभी कितने प्यारे नाम, अगर ऐसे ही नाम से ये फिल्म बनाते तो कितने, मैं बोलता ही नहीं कि वरुण धवन और आलिया भट्ट के लिए तालियां, पप्पू और आलू के लिए तालियां, फिल्म आ रही। पप्पू और आलू। ऐसे मैं आप सबको बता दूं, कल रात आलिया 3:30 या 4 बजे सोई है, क्योंकि वो गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो एक गाना है हम सफर। वाह वाह वाह, बहुत ही क्या बात है। बहुत ही सॉरी, लाइट दे दो जरा खूबसूरत सी मजेदार। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर है, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार हार तेरा, दिल तुयों जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजों मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहूंगा, मेरे को गाने का बड़ा शौक है। ऊपर खुदा आसमानी जे जहां सब है मगर है तुझे ढूंढे तू आया नहीं खबर। जानिया ढोलना, जानिया
सिख का दे सुख दुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना 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 पर खुदा शुक्रिया. You like my song? Superb. You can hug me na if you like my song. Thank you, Alu. Thank you, brother. Thank you. चलिए जब कपिल गाता है ना तो बिल्कुल दिल से गाता है और सीधा दिल पे आके लगती है. हाय हाय. क्योंकि कुछ बनावट नहीं है. जब इंसान ये चीज मतलब इनको करने की जरूरत नहीं है. आई मीन आई कॉल हिम द कॉमेडिक रॉक स्टार ऑफ इंडिया बिकॉज मेरे हिसाब से इनके शो पे आना एक रॉक स्टार के शो पे जाने से कम नहीं है. सो स्वीट. ये लाइन को रिपीट करके चलाया जाए. अच्छा एक सेकंड, कोई बातें बातें नहीं करेंगे आज. एक काम करते हैं, बद्रीनाथ की जो दुल्हनिया है ये शादी के ऊपर है, राइट? करेक्ट. शादी के जैसे अभी रस्में आई थी बंपर जो बात करी थी, कई रस्मों से बड़ी चिढ़ होती है. ऐसे मेरे कौन से दोस्त हैं या माताएं बहनें हैं या ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जिनको ये लगता है कि शादी की ये रस्में जो हैं इनसे चिढ़ आती है, ये नहीं होनी चाहिए. आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं. जी सर, मुझे बहुत चिढ़ है. नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? फैन ऑफ यू सर. थैंक यू सर. वी ऑल केम फ्रॉम यूएसए. माय नेम इज गोपी सेठ. ओह, इंटरनेशनल फैन. यस सर, वी स्पेशली केम फॉर योर शो सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग अस. अरे सारे गोल गोल बच्चे आप ही के? यस यस, ये दोनों बच्चे मेरे हैं सर. दोनों बच्चे आपके? बड़े क्यूट है ये. थैंक यू. बिल्कुल पापा पे गए हैं. थैंक यू जी. सर मुझे शादी ब्याह से बहुत चिढ़ है सर. बहुत शादी, दो दो बच्चे लेके घूम रहे, शादी ब्याह से क्यों चिढ़ है? तो ये चिड़चिड़ाहट में हो गए सारे बच्चे. अच्छा शादी ब्याह से चिढ़ है कि रस्मों से? रस्मों से और जाने में. कौन सी रस्म से? सर बेसिकली क्या होता है यूएस में आरएसवीपी में, एक तो बच्चे का नाम नहीं होता. हाँ. तो पहला प्रॉब्लम तो सर बेबी सिटिंग का हो जाता है. हाँ. राइट. और दूसरा प्रॉब्लम सर क्या होता है कि कई दफा बीवी मना लेती है और जो भी सामने वाला इनविटेशन दे रहा है उसको मना लेती है, तो बच्चे को लेकर जाता हूँ तो वहां पर एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं होती. इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, एक का नाम लिखे दीनानाथ एंड फैमिली तो 15 लोग पहुंचे होते. सर वहाँ तो टेबल भी लिखे हुए हैं सर, नाम टू नाम लिखा. एक बात बताओ, अभी आप यहाँ पे आ गए यूएस, वापस कब जा रहे हैं? वापिस जा रहे हैं 10 दिन के बाद. तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आना बैन ही है, फिर क्या करोगे? नहीं सर, सर मैं तो वहाँ का सिटीजन हूँ सर, इसलिए मुझे तो आना आने नहीं पड़ता अभी किसी को. तो कोई फर्क नहीं पड़ता ही नहीं, तो यहाँ रह जाएंगे. इंडिया बेटर या अमेरिका? नहीं नहीं, इंडिया इज मच बेटर, एब्सोल्युटली. इंडिया इज ग्रेट, एब्सोल्युटली. तो आपको ये जो नाम में बच्चों का नाम नहीं लिख के भेजते हैं उनसे चिढ़ है? ठीक है सर. और क्या होता है सर, कई दफा मना लेती है बीवी तो जाता है वहाँ पर, तो सर बाहर खड़े रहना पड़ता है. अरे? क्योंकि हाँ. कई दफा ये बीवी लोग तो अंदर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं और हम लोग मैं वहाँ बाहर बेबी सिटिंग करता रहता है. ये बड़ी गलत बात है, जाए मत करो ऐसी शादी. तो इसीलिए ऐसा तो सर, क्या मिलता है शादी में जाके आपको? अपने घर पे खा पी लिया करो. तो वही सर, इसीलिए मैं तो हर बार यही सोचता हूँ, बोलो कि बच्चे हमारे भाई, इनको कहाँ छोड़ के आए. अच्छा उनको बोलने. तो कपिल जी अब साल में एक दो शादी आ गई ऐसी. ए, आपकी यूएस में शादी हुई थी कि इंडिया में हुई थी? हम लोग इंडिया में. इंडिया में घोड़ी पे बैठ के गए थे आप? नहीं घोड़ी पे नहीं बैठे. बैठना भी मत. नहीं वो चलो. अच्छा फिर? तो एक साल में दो तीन शादियां आती हैं. अच्छा जी. और ये आते हैं बच्चों को रखते हैं तो क्या हो गया ना, राइट? हम तो पूरा ईयर बच्चों को रखते हैं. करेक्ट. ये तो जाते हैं जॉब पे. मैं एक बात बोलता हूँ, आपने बोला कि कठिनाई होती है, वो तो होती है ऑब्वियसली, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे बच्चे नहीं है बट मैं जेन्युइनली दिल से बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ कि कोई भी पार्टी हो जिंदगी में और मुझे टाइम मिल जाए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं बच्चों को ही चूज करूंगा. मुझे मैं 100 रुपए देना चाहूंगा वरुण को शगुन के तौर पे, बहुत समझदार बच्चा है ये. सर कपिल जी मेरी डॉटर आपकी बहुत बड़ी फैन है. आपके बच्चे भी कुछ बोलना चाहते हैं. डॉटर की चॉइस बड़ी अच्छी है. अब ये बेटा सर वो आपके लिए गिफ्ट लाई है यूएस से सर. सो स्वीट.
इसको भी भेज दो, भाई को भी भेज दो, उसका दिल ही नहीं है। हाँ नहीं, आजा आजा, बहुत क्यूट है, इतनी क्यूट है। थैंक यू थैंक यू। पारी कर लो आपको, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? नीरी। थैंक यू सो मच नीरी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। और कोई मेरे दोस्त इस विषय पे कटाक्ष करना चाहते हो? ये पूछेगा कोई सवाल? आजा भाई, आजा अभी पहलवान। मुझे शादी ब्याह जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जाने से तो हमें क्या लेना देना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? शेयर कर रहा हूँ ना एक और चीज। हाँ हाँ, शादी ब्याह में जाने से क्रश मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम्हारा क्रश मल्टीप्लाई हो जाता है? हाँ, क्यों? बहुत बैचलर लड़कियां मिलती है, देखो कैसे। अब मेरी क्रश की भी सहेलियां होंगी वहाँ, ठीक है, तो उसपे भी क्रश जाएगा, उसपे भी क्रश जाएगा, उसपे भी क्रश जाएगा। एक बात बताओ मुझे, ये समस्या है जॉन इब्राहिम, एक बात तो नहीं नहीं जब तुम ऐसे मतलब थैंक यू आपका तो क्रश बढ़ जाता है लड़कियों पे। हाँ। लड़कियों का होता है, मिले ना मिले क्या तो शादियों में जाके आपको इसी वजह से अच्छा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं। खाना भी, खाना भी, खाना भी ज्यादा कौन अच्छा लगता है, खाना की लड़कियां? खाना बनना क्लियर है, पर इतना भी खाना मत खाना कि नहीं सर आपकी तरह वेट लॉस कर लूंगा ना। वेरी गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए। पता कभी कभी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि तेरा पेट ऐसे है, तो कभी कभी लोग मुझे बोलते थे कि आप रूढ़ हो जाते हो। नहीं, रूढ़ होने वाली बात नहीं, कोई भी कम कर सकता है अपनी सेहत। मैं तो कहता हूँ स्वच्छ भारत हम बोलते हैं, मैं कहता हूँ फिट इंडिया। आज मैंने नया स्लोगन दिया है। शुक्रिया। क्या करते हो आप? सर मैं चाइना में MBBS पढ़ रहा हूँ। चाइना में? हाँ। चाइना में वो उनकी MBBS चलेगी नहीं 4 दिन से ज्यादा। सर मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। चाइनीज आती है आपको? चाइनीज में इतना बोलूंगा, रेनशिनी हैन गाओशिन अभी इंडियन लोगों को कौन सा चाइनीज आती होगी, तो मेरा इंप्रेशन पड़ जाएगा कपिल नोस सो मेनी लैंग्वेजेस यार। बढ़िए, इसलिए बुलवाया क्योंकि हमारी जो फिल्म है ना वो सिंगापुर में भी शूट हुई है। अच्छा, तो मौका नहीं छोड़ रहा अभी। वेरी गुड। तो नाम बताया नहीं, इतनी बातें हो गई। सर आदित्य भट्ट। भट्ट भट्ट, यस भट्ट। अरे नहीं भैया, कोई भैया नहीं, बहुत भाई बन ली है। क्यों? मैं तो अनुष्का शर्मा आती, मैं तो बहन बोलता हूँ उसको। सोनाक्षी सिन्हा को भी बोलता हूँ। सर आपकी, मैं सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा को बोलता हूँ। नहीं मेरी गलती कोई नहीं, आपको पता मैं शर्मा नहीं वैसे। हाँ। I'm कपिल पुंज, मेरी मम्मी के साइड से है। एक्चुअली हमारे जमाने में ना पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती नहीं, होती होंगी, मेरे डैडी कभी नहीं आए, तो मेरा नाम रखा उन्होंने कपिल, कपिल पाजी को, जब वर्ल्ड कप जीत के लाए पाजी, मैंने बताया बहुत बार, तो मेरा नाम रख दिया उन्होंने कपिल। तो मैं चला गया स्कूल, तो मेरे को बोलते तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहा कपिल, मास्टर भी कहता कपिल देव, मैं कहा हाँ। तो 2-3 हफ्ते ऐसा चला, फिर मेरे मामा जी छुट्टी पे आए, आर्मी में आए, छुट्टी पे आए, तो वो फौजियों का एक ट्रंक होता ना संदूक लोहे का, उस पर लिखा था RL शर्मा, तो मेरी मम्मी साइड से जो है वो शर्मा है, तो मैंने उनका पढ़ लिया, तो मैं कहा हम भी यही होंगे, तो मैं अगले दिन बोला, मैं कहा सर हम, मेरा नाम कपिल देव शर्मा है। फिर बाद में बोला मैं कपिल देव शर्मा नाम लिखाया, कहती नहीं नहीं बेटा कपिल देव नहीं तेरा ऐसे थे, तो फिर मैंने देव कटवाया, फिर शर्मा मेरा पक्का ही हो गया। पापा ने कुछ नहीं कहा? आई मीन ये कोई फनी स्टोरी नहीं थी, आई एम सॉरी। मेरा नाम कपिल पुंज है एक्चुअली। सर जो भी अच्छा है। थैंक यू भट्ट साहब। सर आओ गुजरात। भट्ट साहब अभी वर्कआउट करना शुरू करो और अपना बट कम करो थोड़ा, ठीक है? श्योर सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत गर्मी है तुझमें। इतना जोश से नाचे। क्यों मार के रहे थे उनको? बुरा ना मानो, होली है, लठमार होली खेल रहे हैं। नंदगांव में खेलते हैं हमारे जीजा जी के यहाँ पे, आज यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखो हमारे हैं। बहुत गर्मी है, तुम मेलो ठंडाई पियो थोड़ी लो। होली है पूरा। ऐसे कौन पिलाता है ठंडाई? इस गर्मी भी तो इसमें है इतनी ज्यादा, सारी ठंडाई से ही जाएगी। तो बुरा ना मानो होली हाय। हम क्यों बुरा मानेंगे? बुरा ना मानो होली, इतने बुरे मुंह लेके आते हैं, बुरा माने कभी? कपूर सर ये बात आपने अच्छा किया है, ऐसी शक्ल पे बनता है। हमारे शक्ल में क्या खराबी है? ये टैटू कौन बनवाता है ऐसे? तो जो गांव में बनवाया है, हम बैंकॉक गए थे वहां बनवाया था ठंडाई पी के, इसमें क्या हो गया? ताश के पत्ते बनवाए ऊपर से तुमने? हाँ तो आ जाओ ब्लाइंड खेलो मेरे साथ।
ना लीजिए, हम आपके लिए गिफ्ट लाए, गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत चक्रमबाज हो, काहे गिफ्ट लेके आए? देखिए आपके लिए लाए हैं, ये हमारा दिल है। ये आपका दिल है? हमारे दिल में तो बहुत छेद है। हाँ, ये क्या है? जिसको भी देते हैं वो तोड़ देता है। तो आप जोड़ देते हो? ना, जोड़ जोड़ के ऐसा बनाए हैं। क्या करे कपिल भैया इनका दिल का, इसके मुंह पे मारो फेंक के और क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए, भूसा भरा है। आप इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? राजन राज। आपका राज चल रहा है ऐसा तो लग नहीं चलता है मेरी राज। इसलिए दिल रखो आप इनका, ट्राई कीजिए। किसको दे दिया है? भैया है हमारे। तो भैया को दिल से प्यार नहीं कर सकते हैं का? आपका वो गाना है ना वरुण जी? कौन सा गाना? बेशर्मी की हाइट वाला। बेशर्मी की हाइट? आपको मालूम नहीं है ना बेशर्मी की हाइट कितनी है? हम बता दे कितनी मेजर की हो आप? 5.5 फुट। आपको वेट भी बता दे, कितना वेट है तेरा? 190। 190 किलो वेट है? 190 केजी या पाउंड? केजी में है। केजी में है? ये तो है ना बड़ी अजीब सी औरत है, आपको पता नहीं है? दोनों ही अजीब ही हो, खूबसूरती किसी में नहीं है। वैसे बोलूं तो हमारे भैया के साथ पता है क्या कर रही थी? क्या किया? ये हमारे भैया के साथ किसके लिए लड़ाई कर रही थी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं? आप किसके लिए लड़ाई कर रही थी? किसके लिए लड़ाई कर रही थी भाई? तो बता रहे हैं किसके लिए लड़ाई कर रही थी। अब किसके लिए? चुप चुप, बार में बोलते हैं समझ नहीं आता है। अरे किसके लिए? पप्पी के लिए? हम बताए पप्पी के लिए लड़ाई करती है? किसको पप्पी करना था? या हमारे भैया, उनसे शादी किया ना, भौजी है हमारी। भौजी लड़ाई करती है किसके लिए? अरे इनको बुरा लग रहा है, आप कैसे बोल दिए? हमारे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गया हम क्या कहें वरुण जी, जिंदगी बर्बाद हो गया। पहले शादी से पहले हर लड़का हो जाता था हम पे लट्टू जब देखता था हमारा टट्टू, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। शादी के बाद क्या हो गया? शादी के बाद पता नहीं, पिछली होली को तो बहुत बुरा हुआ, पता है क्या हुआ? इसके भैया को एक बूंद रंग नहीं लगा पाया अलिया जी। हम एक बूंद रंग क्या होता है? एक चुटकी रंग हुआ ना। तुम मैथमेटिक्स में घुस जाओ, बात मत सुनो। नहीं नहीं। तो क्या हुआ कि एक चुटकी, ठीक है हाँ, एक चुटकी लिया, एक चुटकी नहीं लगा पाए इनके भैया को, क्योंकि क्या हो गया, पहले हम इसको लगाने के लिए पहुंच गए, सारा रंग इसी पे खप गया, बचा ही नहीं, एरिया बहुत ज्यादा था। इंसान बड़ा है तो बड़ा है। नहीं सिद्धू जी, हम आपको बताते हैं एक बात है जो दुनिया में कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कौन सी? क्या नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए, क्यों? हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है। ओहो। होली का रात था पिछले साल, हमने चाहा चलो आज होली मनाते हैं, मैं इनके भैया के साथ सोई, ये बीच में आ गए। और सबसे बड़ी बात, बीच में आके सोई नहीं, फिर क्या किया? चैटिंग कर रही थी। होली खेलना चाहते हो आप ना? हाँ, उठ जाए हम। हाँ, होली खेलने खेलें थोड़ा। होली ये लठमार वाला नहीं खेलेंगे? हाँ, लठमार वाला होली लठमार खेलते हैं। लठमार खेल ही लेते हैं आप सबको होली।